दमोह जिले के ग्राम पंचायत बांधकपुर में चुनाव जुलूस के दौरान लोगों पर पथराव होने की बात सामने आई है। इस घटना में करीब 5 लोग घायल भी हो गए हैं, जिसकी शिकायत पुलिस चौकी में की गई है। बांधकपुर पंचायत चुनाव में 10 लोग चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें सुनील जैन ने जीत हासिल की है। सुनील ने आरोप लगाया है कि जुलूस जब गाँव में भ्रमण कर रहा था तो उसी समय करीब आधा दर्जन लोगों ने जुलूस पर पथराव कर दिया। इस दौरान सरपंच ने पुलिस चौकी के जाकर FIR दर्ज करवाई है। राम गौतम, शंकर गौतम इत्यादि उनके परिजनों ने अपनी छतों के ऊपर से पत्थर फेंक फेंक कर इन हरिजनों को मारी। कमलेश हरिजन को बहुत चोट आई हुई है हाथ में, जिसकी पुलिस चौकी बांधकपुर में रिपोर्ट की गई है। हम लोग इधर से घर जा रहे थे वापसी, तो शंकर गौतम ने और उसके परिवारजनों ने हमें गंदी गंदी गाली दी और ऊपर से पत्थर मारे।